कृषि व्यवसाय क्या है? ऐसा कार्य है जो कृषि से संबंधित हो और उसको करने से मुनाफा कमाया जाए, कृषि व्यवसाय या एग्रीकल्चर बिजनेस कहलाता है। इस बिजनेस से होने वाले लाभ को देखते हुए आजकल ज्यादातर लोग इस बिजनेस को करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये तय नहीं कर पाते हैं कि वह इस क्षेत्र में कौन सा बिजनेस करें जिससे कि उनको अधिक फायदा हो। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं। आज हम आपको टॉप 5 एग्रीकल्चरल बिजनेस आइडियाज देने वाले हैं जिसमें से आप कोई भी बिजनेस करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो 5 आइडियाज में यह है पहला आइडिया, एलोवेरा की खेती। जी हाँ, एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जिसकी मांग आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इसका इस्तेमाल औषधि में होने के साथ साथ शैम्पू, फेस वॉश, साबुन, तेल, जूस सभी में होने लगा है। इसके इतने फायदे हैं कि लोग अब इसका बहुत ज्यादा उपयोग करने लगे हैं। एलोवेरा की इस प्रकार की डिमांड देखते हुए अगर आप इसकी खेती करने का बिजनेस करते हैं तो इससे आप काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं। तो एलोवेरा बिजनेस करने का क्या तरीका होता है? तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एलोवेरा का बिजनेस सफल हो और इस बिजनेस से आप अच्छे पैसे कमाएं, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना होगा जो कि इस प्रकार है। पहला, सही जगह का करें चुनाव। तो एलोवेरा की खेती करने के लिए आप सबसे पहले सही जगह सेलेक्ट करें, साथ ही आप सही मिट्टी का चुनाव करें ताकि आपको एलोवेरा की फसल अच्छी से अच्छी हो। वैसे तो एलोवेरा का एक ऐसा पौधा है जो कि किसी भी मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसकी खेती बुलई दोमट मिट्टी में ही की जाती है। एलोवेरा के बीज की बुआई मुख्य रूप से अप्रैल और मई में की जाती है, क्योंकि ये महीने इस फसल को बोने का सबसे अच्छा समय होता है। वहीं ये एक ऐसी फसल है जिसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो दूसरी चीज़ है, सही बीज को चुने। एलोवेरा की खेती करने से पहले आप अच्छे हाइब्रिड के बीज ही खरीदें जिससे कि आपकी फसल अच्छी हो। मार्केट में ऐसे बहुत सारे फ्रॉड सप्लायर घूम रहे हैं जो आपको बेकार हाइब्रिड के बीज महंगे दामों में बेच देते हैं। ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आपको बीज या बेबी प्लांट खरीदते समय बहुत अच्छे से आप उसको परखें। तो आप जब भी बीज खरीदें तो हमेशा भरोसेमंद डीलर से ही लें, या फिर सरकारी नर्सरी से आप इसे खरीद सकते हैं। वहीं आप ऑनलाइन भी इन बीजों को खरीद सकते हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि इसमें कितनी लागत आएगी। तो एलोवेरा का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप बहुत कम लागत में शुरू कर सकते हैं, बाद में अगर आप चाहें तो इसे बढ़ा भी सकते हैं, शुरुआत में आप चाहें तो इसे अपने घर के बगीचे से भी कर सकते हैं। अब अगला सवाल आता है कि एलोवेरा को बेचें कहाँ। तो एलोवेरा को आप किसी भी हर्बल कंपनी या कॉस्मेटिक ब्रांड से डील करके उन्हें थोक में बेच सकते हैं। इसके अलावा आप इसे अपनी नर्सरी लगाकर या जूस की शॉप लगाकर भी बेच सकते हैं, या फिर आप खुद की जूस की शॉप खोलकर बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो सब्जी बेचने वालों को भी एलोवेरा सेल कर सकते हैं। अब अगला सवाल आता है कि इसमें मुनाफा कितना होता है। यदि आप इसमें 50,000 से 60,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक साल में ही 2.5 से 3 लाख का फायदा हो सकता है। तो आप देखिए कितने गुना इसमें आपको फायदा हो रहा है, मतलब आप 5 से 6 गुना फायदा इसमें आपको हो सकता है, जो कि बहुत कम बिजनेसेस में इतना ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। फिर आपको दूसरा बिजनेस है डेयरी फार्मिंग का बिजनेस। जी हाँ, दूध इतना फायदेमंद होता है कि दिन प्रतिदिन इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, साथ ही इससे बनने वाले आइटम्स को भी लोग बहुत शौक से खाते हैं, जैसे पनीर, मक्खन, क्रीम, दही, मट्ठा, घी इत्यादि। ऐसे में डेयरी फार्मिंग का बिजनेस करके आप बहुत पैसे कमा सकते हैं। अब डेयरी फार्मिंग के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं? तो डेयरी फार्मिंग के लिए आपको पहले सही रिसर्च करनी होगी कि बिजनेस में कितनी लागत आएगी, उससे कितना प्रॉफिट होगा, कौन सा जानवर आपको लेना चाहिए इत्यादि। अब इस बिजनेस के लिए आपको 40 वर्ग फुट जगह शेड के अंदर चाहिए होगी और 80 वर्ग फुट की खुली जगह चाहिए होगी। स्वस्थ गाय का चयन करना होगा, साथ ही गाय के खाने की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था इत्यादि भी करनी होगी। गाय का दूध निकालने की व्यवस्था भी करनी होगी। दूध को किस जगह पर बेचना है ये सब भी प्लान करना होगा। इस बिजनेस में काफ़ी अधिक पैसों की ज़रूरत होती है, वहीं इससे मुनाफा भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अब तीसरा, मुर्गी पालन का व्यापार। तो मुर्गी पालन का बिजनेस भी सबसे ज़्यादा चलने वाले बिजनेसों में एक है। यदि आप ये बिजनेस करते हैं तो इससे आपको लाखों का मुनाफा हो सकता है। मुर्गी पालन बिजनेस के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं? तो पहला है, इस बिजनेस को करने के लिए आपको लगभग 6 से 7 लाख रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं इस बिजनेस के लिए लाइसेंस लेना भी बहुत ज़रूरी है। इस बिजनेस को करने के लिए आपको इसकी जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो इससे संबंधित कोर्स कर सकते हैं। इस बिजनेस में आपको एक अच्छी सी जगह की आवश्यकता पड़ेगी जो साफ़ सुथरी हो और ऐसी हो जहाँ पर मुर्गियों को कोई परेशानी ना हो। मुर्गी पालन के बिजनेस में गर्मियों की तुलना में सर्दियों में ज़्यादा मुनाफा होता है।
अब चौथा है मशरूम का बिजनेस। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कम लागत में ज़्यादा प्रॉफिट देता है। इसकी मांग कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन फिर भी उस हिसाब से इसकी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपका बिजनेस काफ़ी आगे तक जा सकता है। अब मशरूम के बिजनेस के लिए क्या आवश्यक चीज़ें हैं? तो मशरूम तीन प्रकार के होते हैं, बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम। आपको ये तय करना होगा कि आप किस प्रकार के मशरूम की खेती करना चाहते हैं। सभी बिजनेस की तरह ही इस बिजनेस को करने के लिए भी आपको मार्केट रिसर्च और योजना बनाने की ज़रूरत होगी। साथ ही आपको सही जगह का चुनाव भी करना होगा। यदि आप इस बिजनेस को करने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। फिर है मधुमक्खी पालन बिजनेस। तो मधुमक्खी पालन के बिजनेस में मधुमक्खियों को पालकर उनसे शहद प्राप्त होता है और उस शहद को मार्केट में बेचकर मुनाफा कमाया जा सकता है। ये बिजनेस भी सबसे अधिक डिमांड वाला बिजनेस है, क्योंकि भारत में ज़्यादातर लोग असली शहद का इस्तेमाल करना ही पसंद करते हैं। ऐसे में अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो मधुमक्खी पालन करने के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं? तो पहला ये कि मधुमक्खी पालन का बिजनेस शुरू करने से पहले आपको इसकी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इसको करने से पहले आप कई प्रकार की ट्रेनिंग करनी होगी। इस बिजनेस को करने के लिए आपको सही जगह और सही सीजन मौसम का चुनाव करना पड़ेगा। शहद बेचने के लिए आपको अच्छे से मार्केटिंग भी करनी आनी चाहिए, जिससे कि आप इसे अच्छे दामों में बेच सकें। इसको आप बड़ी बड़ी कंपनी, रेस्टोरेंट आदि जगहों पर भी बेच सकते हैं। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।